बसमील स्टूडेंट्स अस्सलाम असल ऑन बिहाफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी आई वेलकम यू टू लेक्चर नंबर ट्वेंटी नाइन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स तो स्टूडेंट्स हमारी आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल की डिस्कशन जो है वो जारी है पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने बड़ा क्लोजली ये जो टी सी प्रोटोकॉल जो था इसको स्टडी किया और स्पेसिफिकली ये देखा कि आई पी जिसमें आपने देखा कि नेट मैस्क काप्ट आई पी ए का कुछ थोड़ा सा राउटिंग कांसेप्ट और फिर बाइंडिंग ऑफ दिस आईपी एड्रेसेस किस तरह से हम इन आईपी एड्रेसेस को आईपी टू हार्डवेयर एड्रेसेस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ये डिस्कस कर रहे हैं हम कुछ पिछले चंद लेक्चर से स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो भी इसी डिस्कशन uh, को थोड़ा सा और आगे लेके चलेगा आज के लेक्चर के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा लेकिन इससे पहले हम लोग एज यूजल पिछले लेक्चर की जानवर चलेंगे एंड वी विल गिव इट अ स्मॉल रिव्यू स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ आईपी पी की बात की एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की स्टूडेंट्स आर्फ जो था दैट वाज एक्चुअली डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 19 ऑफ योर बुक वी फिनिश्ड दैट चैप्टर इन द लास्ट लेक्चर और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बताया कि दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट इन टी सी एंड दिस हाउ इट एक्चुअली कन्वर्ट द आई एड्रेसेस टू द हार्डवेयर एड्रेसेस और इसकी वजह मैं पहले से आपको बता चुका हूं यही डिस्कशन जो है वो पहले भी हो चुकी है द रीजन वी डू दैट इज द अंडरलाइंग हार्डवेयर इट डज नॉट नो अबाउट द आई पी एड्रेसेज इट डज नॉट नो अबाउट द वर्चुअल एड्रेसेज देर एक्चुअली आ सॉफ्टवेयर द आई पी सॉफ्टवेयर क्रिएट्स सो वी हैव टू बाइंड दीज आई पी एड्रेसेज इन टू द कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेसेस ताकि हम उसको जो हमारा एक्चुअल हार्डवेयर है जो हमारा एक्चुअल अंडरलाइंग नेटवर्क है उस पर डिलीवर कर सकें उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ आर्प को डिस्कस किया कुछ आर्प मैसेज डिलीवरी की कुछ आर्प मैसेज फॉर्मेट की बात की मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका आर्प मैसेज जो है वो ट्रेवल करता है इनसाइड साइड अ फ्रेम आप डेटा एरिया के अंदर उस आर्प मैसेज को रख देते हैं एंड देन यू एक्चुअली इट ऑन योर अंडरलाइंग नेटवर्क द फिजिकल नेटवर्क स्टूडेंट्स कुछ आ, देखा हमने के आर्प मैसेज जो है वो किस तरह से डिलीवर किया जाता है वैन यू एक्चुअली वॉन्ट टू डिलीवर एन ऑप मैसेज यू सेंड अ ब्रॉडकास्ट जो हमने रिस्पॉन्स का और एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट जो हमने स्टडी किया था उसमें आपने देखा था कि रिक्वेस्ट किस तरह से ब्रॉडकास्ट की जाती है टू ऑल द होस्ट देट आर प्रेजेंट ऑन दैट फिजिकल नेटवर्क एंड देन वट एवर द एड्रेसी ऑफ दैट रिक्वेस्ट इज वो कंप्यूटर जो है वो रिप्लाई बैक करता है या रिस्पॉन्ड करता है टू स्पेसिफिकली द कंप्यूटर दैट रिक्वेस्टेड फॉर एन आर्प बाइंडिंग स्टूडेंट्स दिस वॉज द आर्प मैसेज फॉर्मेट कुछ आर्प कैशिंग की बात की थी हम लोगों ने हर बार्ट का चक्कर अगर हम चलाएं हर बार हर आई पी एड्रेस को मैप करने के लिए टू द कॉरेस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेस इफ यू हैव टू डू अ ब्रॉडकास्ट देन इट विल क्रिएट टू मच ट्रैफिक ऑन योर नेटवर्क तो स्टूडेंट्स इससे बचने के लिए वी स्टडीड और वेंट इन टू द स्टडी ऑफ अ कैशे एंड आर्प कैशे

On which this ARP actually works as a boundary between the IP addresses and the hardware addresses. So you have that the physical layer, pe you are actually dealing with the hardware addresses. The physical layer is unaware of any IP or the virtual addresses used in the upper layers. the second layer, mein it is basically your uh, ARP boundary that allows the upper layer to actually use the IP addresses and then convert them back and forth. फिजिकल लेयर हार्डवेयर एड्रेसिस स्टूडेंट्स दिस वॉज आर रिव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर ट्वेंटी जो अपना है उसको स्टार्ट करेंगे एंड द टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर इज द आईपी डाटाग्राम्स एंड द डाटाग्राम फॉरवर्डिंग अब स्टूडेंट्स आईपी डेटाग्राम्स इससे पहले हम लोग इस डिटेल को स्टडी करें कि वट डू वी एक्चुअली मीन बाय आई पी डाटाग्राम्स थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। दूसरे स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम लोग इस डिटेल में जाएं ऑफ द स्पेसिफिक आईपी डाटाग्राम्स हम लोगों ने अब तक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में राउटिंग की आईपी के कॉन्टेक्स्ट में राउटिंग की एड्रेसिंग की बाइंडिंग्स की बात की स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लोग एक्जैक्टली exactly ये देखेंगे कि जब हम एक इंटरनेट पैकेट की बात करते हैं एक ऐसा पैकेट के जिसमें आपका डेटा इस वर्चुअल नेटवर्क पे वर्चुअल इंटरनेट पे जिसकी बात हम कुछ लेक्चर से कर रहे हैं इस पे आपका डेटा एक पैकेट की फॉर्मेट ट्रेवल करता है हाउ डज दिस पैकेट लुक लाइक इस पैकेट का फॉर्मेट क्या है यह पैकेट किस तरह से ट्रेवल करता है फ्रॉम इट्स सोर्स टू द डेस्टिनेशन एंड व्हाट डू वी कॉल दिस पैकेट वी विल स्टडी इट इन दिस चैप्टर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट द कनेक्शन सर्विस स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने बात की थी एक इंटरनेट की तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट आपका जो है दिस इज बेसिकली अ वर्चुअल एब्स्ट्रैक्शन दैट इज क्रिएटेड बाय द आईपी सॉफ्टवेयर एक्चुअल फिजिकल अंडरलाइंग हार्डवेयर क्या है किस तरह से आपका जो कंप्यूटर है या होस्ट जो है उससे उस कनेक्टेड है किस तरह से आपकी जो डेस्टिनेशन है उससे कनेक्टेड है और क्या उनके दरम्यान एक ट्रांसमिशन मीडियम है द अंडरलाइंग नेटवर्क कंटेन ऑल दोज डिटेल्स लेकिन जब हम एक ओवर over ओवरव्यू या वर्चुअल इंटरनेट की बात करते हैं तो दैट इंटरनेट इज अ वर्चुअल एब्स्ट्रैक्शन दैट डज नॉट नो व्हाट्स गोइंग ऑन ऑन द फिजिकल नेटवर्क इसी वजह से स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हम लोगों ने आईपी एड्रेसेस की बाइंडिंग की बात की थी इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग हार्डवेयर एड्रेस अब स्टूडेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेन यू आर एक्चुअली वर्किंग विथ सच अ काइंड ऑफ अ वर्चुअल इंटरनेट तो आपकी जो सर्विसेज आईपी सॉफ्टवेयर आपको ऑफर करता है दैट हैव टू बी डिजाइंड प्रॉपरली नाउ ऑन अ वेरी जनरल बेसिस दी सर्विसेज कैन बी आईदर ऑफ द कनेक्शनलेस नेचर और द कनेक्शन ओरिएंटेड नेचर स्टूडेंट्स इस कोर्स uh, में भी और फिर डेटा कम्युनिकेशन के कोर्स में भी मैं आपको एक दो दफा ये बता चुका हूं कि कनेक्शन सर्विस और कनेक्शन ओरिएटेड सर्विसेज में क्या बेसिक डिफरेंस है So, students, whenever you are working with an IP uh, protocol, the designers they have to actually decide what services to offer to the hosts, to the computers that are attached to that network or that are present in that internet, and then whether those services are going to be connectionless services or the connection oriented services. Of students talking about this connectionless service and the connection oriented service. हमारे टीसीपी आई पी प्रोटोकोल सूट में इट एक्चुअली प्रोविजन यू विद बोथ कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन ओरिएटेड सर्विस स्टूडेंट्स वेन इट इज एक्चुअली डिजाइंड द इंटरनेट इज सपोज टू प्रोवाइड द मेन डिलीवरी सर्विस एज द कनेक्शन लेस सर्विस पैकेट स्विचिंग की जब हमने बात की थी तो थोड़ा सा ये कनेक्शन लेस सर्विस जो है ये उसकी एडवांस्ड फॉर्म है ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेट स्विचिंग वेन यू आर टॉकिंग अबाउट पैकेट ऑन योर इंटरनेट To the main delivery service is the connectionless service. students other than this connectionless service after a IP protocol suit may you also have a connection oriented service but a connection oriented service you have this reliable kind of a connection oriented service it actually works on top of this connectionless service and it uses it as an underlying service. students connectionless कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों का डिफरेंस जो है यू एक्चुअली हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट तो इससे पहले कि हम लोग थोड़ा सा आगे चलें कनेक्शनलेस लेस की चूंकि हमने uh, काफी ज्यादा बात करनी है इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको बता दूंगा कनेक्शनलेस लेस हमारी क्या है. स्टूडेंट्स वेन यू टॉक अबाउट द कनेक्शन सर्विस तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज एक्चुअली अ लिटल एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द पैकेट स्विचिंग In this case, mein, when you actually want to send a data from a source to a destination, so data is actually sent in individual packets. Each of the packets it can take different individual routes. Our destination what The destination is actually responsible for collecting all those packets that are coming to it through different routes that are making uh, their way from the internet through different routes. Destination will packets those packets. By, by using a specific sequence format, ek sequence ek a qatar a format meliag, and then it will interpret the whole message. Now students, this um, kind of a service that is connectionless service, it does not require the establishment of an initial connection between the source and the destination. and there is always uh, a path present between two hops, two nodes.

All the packets they actually follow a path from the source to the destination through a router. Though nodes ko Hamesha ek router connect karega. Once the source actually gives its IP address inside that packet header, plus it also adds the, uh, the destination address inside that header. So kya keeping in view that destination address, that packet, the virtual packet, it is going to be forwarded to a राउटर द फर्स्ट राउटर राउटर क्या करेगा अपने राउटिंग टेबल में देखेगा पैकेट की डेस्टिनेशन को निकालेगा और अकॉर्डिंगली जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट हॉब बनेगा उस हॉब पर इस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा एंड स्टूडेंट्स दिस विल कंटिन्यू अंटिल और अनलेस योअर पैकेट द इंटरनेट पैकेट इट रीचेज आ राउटर दैट कैन डिलीवर इट डायरेक्टली टू इट्स डेस्टिनेशन स्टूडेंट दिस इज हाउ अ पैकेट एंड इंटरनेट पैकेट मेक्स इट्स वे थ्रू द इंटरनेट अब स्टूडेंट्स इस पैकेट का फॉर्मेट क्या होगा आपको याद होगा जब हमने फिजिकल नेटवर्क्स की बात की थी हार्डवेयर फ्रेम्स की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि हर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो है इट्स स्पेसिफाइज अ सर्टेन फ्रेम फॉर्मैट अब स्टूडेंट्स इस केस में तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्चुअल इंटरनेट किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हम लोग एक इंटरनेट की बात कर रहे हैं दैट एक्चुअली वर्क्स ओवर अ स्पेसिफिक अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी अ स्पेसिफिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी तो फिर इस पैकेट का फॉर्मेट क्या हो स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली दिस वर्चुअल पैकेट्स दे कैन नॉट यूज द सेम फॉर्मैट एज द अंडरलाइंग हार्डवेयर जिस टेक्नोलॉजी के साथ आप काम कर रहे हैं उसका जो फ्रेम फॉर्मेट है हम उसको एज अ पैकेट फॉर्मैट यूज नहीं कर सकते एंड द रीजन फॉर दैट इज दैट राउटर कनेक्ट हेट्रोजीनियस नेटवर्क एक राउटर मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है एंड देन ऑल दीज फिजिकल नेटवर्क माइट बी यूजिंग डिफरेंट हार्डवेयर फ्रेम फॉर्मेट दे माइट बी यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स because of this point we cannot use the same frame format as the format of the underlying technology uske alawa, students agar router jo hai uh, is frame ke header reformat ke, karne ke, ke capability b is router ho, even then you can't actually do that because these networks might be using different addressing schemes agar physical network say up packet package physical network, so the addressing scheme used by the first network it might make no sense to the second one. The students, because of this specific fact, the packet format has to be independent of the frame format, the format of the underlying technology, the format of the hardware frames that we are using. Keeping all these restrictions in view, designers actually defined a virtual universal packet. As the name indicates, virtual. The virtual indicates that these packets are actually created by the IP software, and these packets are managed by the IP software. They have nothing to do with the with the hardware aspect of your frames. They have nothing to do with the the underlying technology of your internet. Students, universal. They created a virtual universal packet. Universal kamatlokya. every specific node, every host in that internet, it's going to have the specific software that is needed to interpret, that is needed to extract, or that is needed to actually read those specific packets. That actually adds to the यूनिवर्सैलिटी ऑफ दो पैकेट फूडेंट्स ये जो हमारा इंटरनेट का पैकेट है जिसका मैंने आपको बताया कि वर्चुअल और यूनिवर्सल पैकेट है इन द केस ऑफ टी सी पी आई पी वी एक्चुअली कॉल दिस पैकेट एज द आई पी डेटाग्राम अब स्ट्रेंड्स आई पी डेटाग्राम टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल सूट जो है इट कॉल्स दिस इंटरनेट पैकेट इट कॉल्स दिस virtual packet as the IP datagram. Students, this IP datagram it actually looks very similar to a frame. When I have a hardware frame format it looks very similar to that. Students, I slide and let's have a brief overview of how this IP datagram looks like. Uh, students, as you can see on this slide, this unit of IP data delivery is called a डेटाग्राम अब ये जो डेटाग्राम आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट इट्स लुक्स वेरी सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्डवेयर फ्रेम दोल्ड टू यू अबाउट आप ये देखें हार्डवेयर फ्रेम के फॉर्मेट की तरह इस आई पी डेटाग्राम के भी दो पार्ट है द फर्स्ट वन इज नोन एज द हेडर एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द डेटा एरिया तो जर्नल फॉर्मेट जो आपके पास हार्डवेयर फ्रेम का है दट इज ऑल्सो द सेम एज इन दिस केस ऑफ द

और इस डेटे में कितनी अमाउंट होगी कितना डेटा हम लोग इस आईपी डेटाग्राम में भेज सकते हैं दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन दैट यू आर यूजिंग दैट दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक पर्पस दैट यू आर यूजिंग द आईपी डेटाग्राम फॉर और स्टूडेंट्स आपका जो सेंडर है दैट कैन एक्चुअली चूज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज अप्रोप्रिएट स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर इफ यू हैव एन एप्लीकेशन

स्टूडेंट्स ऑन द अदर हैंड यू कैन हैव एन एप्लीकेशन दैट कैन ट्रांसफर लार्ज फाइल्स एंड दैट कैन सेंड लार्ज डेटाग्राम तो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन वट स्पेसिफिक पर्पज यू आर यूजिंग द आई पी डेटाग्राम फॉर उसके बाद स्टूडेंट्स डेटाग्राम का साइज तो करंट वर्जन जो हमारे पास आईपी का है दैट इज आई पी वर्जन फोर या फिर आईपीवी फोर Uh, students is ipv4 that actually specifies that a datagram can contain as little as one octet per one byte and all the way to 64 octets per 64 bytes including the header and the data area and students is the header or data area combined a ip datagram nazar इस टोटल डेटाग्राम में अकॉर्डिंग टू द करंट वर्जन ऑफ आईपी दैट आईपी वर्जन फोर आप इसमें एक ऑक्टेट से लेकर 64 फोर तक आप इसमें भेज सकते हैं इंक्लूडिंग द हेडर एरिया स्टूडेंट्स इस केस में आप ये देखें कि हेडर का साइज आपके पास फ़िक्स्ड है लेकिन डेटा एरिया जो है दैट इज नॉट फिक्सड अब स्टूडेंट्स अगर आप हर आई डेटाग्राम में कम डेटा जो है उसको भेजेंगे तो अल्टीमेटली थ्रूपुट है हार्डवेयर फ्रेम जिसकी हमने पहले भी बात की थी एंड इट रिप्रेजेंट द ओवर स्टूडेंट्स आपके पास हर आई पी डेटाग्राम में एक स्पेसिफिक ओवर हेड मौजूद है फॉर्म ऑफ हेडर दैट यू आर यूजिंग स्टूडेंट्स अगर आप हर आईपी डेटाग्राम में ज्यादा से ज्यादा डेटा अकोमोडेट करेंगे तो उससे क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस हेडर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस ओवरहेड, यू आर गोइंग टू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन ट्रेवल और इससे क्या होगा आपका अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम दैट विल बी लार्ज इन अदर वर्ड्स योर थ्रू विल बी लार्ज स्टूडेंट्स इसके बाद आ, देख लेते हैं कुछ डेटाग्राम के हेडर को ये पहला छोटा सा एरिया जो आपको हेडर की शक्ल में नजर आ रहा है दैट हेडर कैरीज द सेम इंफॉर्मेशन एज अ फ्रेम हेडर स्टूडेंट्स इस फ्रेम हेडर की तरह इस हेडर में भी आपके पास सोर्स का एड्रेस होगा जो सोर्स या जो मशीन इस आईपी डेटाग्राम को भेजेगी दैट विल इंक्लूड इट्स ओन एड्रेस इन दिस आई पी डेटाग्रामर सिमिलरली स्टूडेंट्स दिस डेटाग्राम हेडर Will also contain the address of the destination. Students, one difference hoga between the, the hardware frame header and this IP datagram header. Up the hardware frame ka header hai, that will contain the hardware source and destination address. In this case of an IP datagram, this IP datagram will contain the IP addresses of the source and destination. स्टूडेंट्स ये तो था हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एन आईपी पी डेटाग्राम आपने देखा कि बेसिकली स्ट्रक्चर जो है दैट इज वेरी सिमिलर टू अ हार्डवेयर फ्रेम फॉर्मेट एंड द ओनली डिफरेंस वाज दैट इन दिस केस वी आर यूजिंग द आईपी सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस वी आर नॉट यूजिंग द सोर्स एंड डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेसेस अब स्टूडेंट्स थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट फॉर्वर्डिंग एन आई डेटाग्राम किस तरह से इस आईपी डेटाग्राम को हम फॉरवर्ड करेंगे फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन थ्रू द राउटर्स तो वेरी जनरली स्पीकिंग हाउ यू कैन डू इट इज यू कैन जस्ट पास ऑन दिस आई डेटाग्राम फ्रॉम द सोर्स टू द राउटर एंड द राउटर विल एक्चुअली एज एज आईव टोल्ड यू बिफोर द राउटर विल लुक इन द अल्टीमेट डेस्टिनेशन एड्रेस हेडर में देखेगा अल्टीमेट डेस्टिनेशन एड्रेस को निकालेगा And according to that destination address, it will look into its routing table. Students routing table ka concept, bhi, ek mein aapko chuka hon, ki har router uska ek apna routing table hoga, that will contain the next hop for each of the destinations. Uh, students, this routing table, mein, you are going to have the entries for each of the next hop for the destinations. सोर्स से आईपी डाटाग्राम निकलेगा राउटर के पास आएगा राउटर अपने राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन एड्रेस के मुताबिक नेक्स्ट हॉप को देखेगा और उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर देगा नाउ दिस नेक्स्ट हॉप इट कैन बी अनदर राउटर इट कैन बी अनदर नेटवर्क इट कैन बी डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन स्लाइड की जानव चलेंगे एक दफा फिर एंड लेट्स एट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस आई पी इज एक्चुअली फॉरवर्डेड फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन जी स्टूडेंट्स एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड इस केस में आपके पास चार डिफरेंट नेटवर्क जो है वो आपको नजर आ रहे हैं एंड दीज फोर नेटवर्क आर एक्चुअली कनेक्टेड बाई यूजिंग थ्री राउटर्स अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा कि के इस केस में बी जो आपका पार्ट है फिगर का उसमें यू आर शोन विद द राउटिंग टेबल दैट इज मेनटेन इन साइड द राउटर आर टू स्टूडेंट्स ये देखें कि इस R2 में आपके पास दो एंट्रीज हैं आपके राउटिंग टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ डेस्टिनेशन एंट्री एक साइड पर आपके पास डेस्टिनेशन एंट्री है एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव द नेक्स्ट हॉप एंट्री स्टूडेंट ये डेस्टिनेशन और नेक्स्ट हॉप जो है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दिस राउटर आर तो आइए जरा इस टेबल को इस छोटे से राउटिंग टेबल को जरा इंटरप्रेट करके देख लेते हैं केस में ये देखें स्टूडेंट्स के इफ योर डेस्टिनेशन इज नेट वन दैट इज नेटवर्क वन इस केस में द नेक्स्ट हॉप इज गोइंग टू बी आर वन यानी राउटर आर टू से अगर आपने डेस्टिनेशन नेट वन या फर्स्ट नेटवर्क में जाना हो तो द नेक्स्ट हॉप इज गोइंग टू बी द राउटर आर वन उसके बाद स्टूडेंट्स ये देख लें कि इफ दिस आर हैज समथिंग टू बी फॉरवर्डेड टू नेटवर्क टू तो डेट विल द नेक्स्ट हॉप इज गोइंग टू बी

Routing table tha that was contained inside the router R2. Students, one thing In this routing table, before we actually leave this topic of forwarding an IP datagram, see routing table every destination jo hai, that is a network. We are talking about all networks out here. We are not talking on the host basis. We are not talking about the individual hosts. स्टूडेंट्स ये डिस्टिंक्शन जो है यह डिफ्रेंसिएशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द नेटवर्क एंड द होस्ट बिकॉज एन इंटरनेट कैन कंटेन ओवर वन थाउजेंड टाइम्स द एज मैनी होस्ट एज नेटवर्क अगर आपके पास यहां पर चार नेटवर्क स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि हर नेटवर्क के साथ डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ दैट नेटवर्क याद करें क्लास ए बी हमने पढ़े थे सी एंड सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ दैट नेटवर्क इट कैन कंटेन एज मच एज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड टाइम्स एज मैनी होस्ट्स एज नेटवर्क्स द स्टूडेंट्स राउटिंग टेबल्स में अगर हम डेस्टिनेशन जो है वो नेटवर्क्स को एज अ डेस्टिनेशन यूज करें एंड नॉट द होस्ट्स तो इस केस में क्या होगा कि योर राउटिंग टेबल एंट्रीज दीज विल राउटिंग टेबल्स विल एक्चुअली दे विल बी कैप्ट स्मॉलर The students, this is an important point that in this case of routing table, we use networks and not the individual hosts. Students, ugly slide, this is actually the concept of the routing tables and the routing table entries. Uh, students, uh, normally, your routing tables they are not as simple as you have seen in the previous slide. लास्ट स्लाइड में आपने देखा कि डेस्टिनेशन और नेक्स्ट हॉप जो है वो आपको नजर आ रहा था एंड दैट डेस्टिनेशन एंड नेक्स्ट हॉप वाज वेरी सिंपल मैंने जस्ट आपको राउटर्स को आर वन और नेटवर्क्स को नेट वन और नेट टू का नाम दे दिया था बट स्टूडेंट्स इन एक्चुअलिटी दिस इज नॉट द केस वट हैपन्स इज द डेस्टिनेशन फील्ड इन ईच एंट्री ऑफ दिस राउटिंग टेबल इट कंटेन्स अ नेटवर्क प्रीफिक्स ऑफ द डेस्टिनेशन नेटवर्क आप ये देखें कि इस स्लाइड में जो आपको एक फिगर uh, नजर आ रही है दैट आल्सो कंटेन द फोर नेटवर्क्स एंड दे आर आल्सो कनेक्टेड बाय यूजिंग थ्री राउटर्स लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में ये देखिएगा कि हर इंटरफेस जो आपके पास मौजूद है दैट इज गिवन हर इंटरफेस और हर नेटवर्क दैट इज गिवन अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस और फिर स्टूडेंट्स ये भी देखिएगा कि डेस्टिनेशन जो आपके पास है इस केस में डेस्टिनेशन जो है दैट कंटेन द नेटवर्क प्रीफिक्स ऑफ दैट स्पेसिफिक नेटवर्क उसके अलावा स्टूडेंट्स इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि आपको एक एडिशनल फील्ड जो है हर एंट्री में नजर आएगी एंड दैट फील्ड विल कंटेन द एड्रेस मास्क। जी हां ये वही एड्रेस मैस्क स्टूडेंट जिसके बारे में हमने कुछ एक दो लेक्चर्स पहले हम लोगों ने आ, बात की थी दिस इज द सेम एड्रेस मैस्क एंड ईच एंट्री will contain the corresponding address mask or address mask it will tell you what bits of the destination correspond to the network prefix the students though differences in between the actual routing table and the simple form of it that you have seen in the last slide students, an ip address is also used द नेक्स्ट हॉप फील्ड डिनोट्स अ राउटर इस केस में गौर कीजिएगा कि जब भी आपकी नेक्स्ट हॉप जो है जैसे कि पिछले केस में आपने ये देखा था कि पहले पहली और आखिरी पहली और फोर्थ एंट्री जो थी देर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड अ राउटर सो यू कैन सी इन दिस केस द फर्स्ट एंड द फोर्थ एंट्री दे आर बींग रिप्रेजेंटेड बाई द राउटर्स आई पी एड्रेस और जो दरम्यान की दो एंट्रीज हैं दे आर स्टिल डिलीवर डायरेक्ट द नेक्स्ट स्टॉप स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि इन दिस केस टू वी आर वर्किंग विद द राउटिंग टेबल ऑफ राउटर टू और इस केस में आप ये देखें कि आर टू यानी आपके इस राउटर के साथ अगर हम फॉर्वर्डिंग करना चाहें तो फर्स्ट डेस्टिनेशन इज थर्टी डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो द मैस्क इज टू फिफ्टी फाइव डॉट टू जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो दैट मीन्स दैट वी आर वर्किंग विद्लास Yes, a IP address. So, this mass that will help you differentiate or distinguish the destination's network prefix. Best, students, the next hop in order to reach this destination, the next hop is going to be 40.0.0.7, .0 .0 that is the IP address of the next router. Best, students देखिएगा kya a destination up 40.0.0.0 40.0.0.0. In this case, the mask this is also a class A IP address, so you can deliver direct. Similarly, students, 128.1.0.0 mask is 255.255.0.0, .255 a class B IP address, you can again deliver direct. And then in the last case it is 192.4.10.0 and in this case. If you want to deliver to this network, this is a class C network, and you can deliver it to the next hop that is the router's IP address given as 128.1.0.9. Students, uh, isse pehle slide, ko khatam we are going to discuss a specific uh, concept of using these address masks. This address masks you have help karte in order to find out the next hop. स्टूडेंट्स लेट्स गो थ्रू एन एग्जाम्पल और एग्जाम्पल जो है ये उस कॉन्सेप्ट को इलेस्ट्रेट करेगी जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी कुछ लेक्चर्स में बताया था कि व्हेन यू आर वर्किंग विद अ मास्क, देन द मास्क एक्चुअली परफॉर्म्स अ सिंपल फंक्शन ऑफ टेकिंग आउट द नेटवर्क प्रिफिक्स अगर आपको एक डेस्टिनेशन एड्रेस दिया जाए इफ यू परफॉर्म अ बोलियन एंड बिट्वीन द एड्रेस मैस्क And that destination address, so you will actually get the destination network prefix. Make bar ph repeat karunga the last couple of lectures maybe k if you are given with an address mask, if you perform a AND operation, a Boolean AND operation between the address mask and the destination IP address where you actually want to route your your packet, your IP datagram. तो अगर आप बुलियन एंड करेंगे इस मैस का और उस डेस्टिनेशन एड्रेस का तो अल्टीमेटली यू शुड गेट द डेस्टिनेशन नेटवर्क प्रिफिक्स स्टूडेंट्स वेन यू गेट डेस्टिनेशन नेटवर्क प्रिफिक्स दैट कैन हेल्प यू फाइंड आउट द नेक्स्ट हॉप फॉर दैट नेटवर्क स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल देख लें इसी केस की जो कि मैंने आपको स्लाइड में आपको नजर आ रहा है इस वक्त इसकी एग्जाम्पल देख लें कि यू कैन हैव अ डेटाग्राम दैट वॉन्ट्स टू गो टू द डेस्टिनेशन वन नाइन टू डॉट फोर डॉट टेन डॉट थ्री दैट इज द आई पी एड्रेस ऑफ योर डेस्टिनेशन होस्ट अब स्टूडेंट्स किस तरह से हम एक्चुअल कंडीशन में रियल टाइम कंडीशन में इसको फाइंड आउट करते हैं इस फिगर में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि इफ वी आर वर्किंग विद वन नाइन टू डॉट फोर डॉट टेन डॉट थ्री अगर ये हमारी डेस्टिनेशन है तो इट इज सपोज टू गो टू द नेटवर्क फोर दैट इज द प्रिफिक्स इज 192.4.10.0। लेकिन स्टूडेंट्स एक एक्चुअल मशीन एक एक्चुअल राउटर जो है वो किस तरह से इसको फाइंड आउट करेगा व्हाट इट विल डू इज इट विल परफॉर्म अ बोलियन एंड बिटवीन द एड्रेस मास्क एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस अब स्टूडेंट्स ये देखें कि जब आपका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो था वन ये स्लाइड में नहीं है अगर आपने इसको लिखना है तो इसको लिख लें दिस इज नॉट प्रेजेंट इन यूर स्लाइड दिस इज गिवेन एज एन एग्जाम्पल इन यूर बुक सो वन नाइनटी टू डॉट फोर डॉट टेन डॉट थ्री इज योर डेस्टिनेशन एड्रेस एंड द फर्स्ट मैस्क दर्ट एंट्री इज टू फाइव फाइव डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो स्टूडेंट्स हम इस मैस्क का और डेस्टिनेशन एड्रेस का आपस में बोलियन एंड करेंगे एंड द नेटवर्क प्रिफिक्स दैट कम्स आउट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेस्टिनेशन एड्रेस डेट इज थर्टी डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो अगर आप वन नाइनटी टू डॉट फोर डॉट टेन डॉट थ्री का बोलियन एंड करें विध टू फाइव फाइव डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो तो यू गेट वन नाइन टू डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो और आप ये देखें कि डेस्टिनेशन में किसी भी एंट्री का नेटवर्क प्रिफिक्स जो है इससे यह मैच नहीं करता तो वेल विल लीव द फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स सेकेंड एंट्री में आ जाएं, द सेम केस आप अगर बुलियन एंड करेंगे इस एड्रेस मास्क का विद योर डेस्टिनेशन एड्रेस यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस डेस्टिनेशन नेटवर्क प्रीफिक्स। सेम गोज फॉर द थर्ड एंट्री अब स्टूडेंट्स फोर्थ एंट्री के केस में व्हेन यू एक्चुअली परफॉर्म अ बुलियन एंड बिट्वीन टू एंड द आई एड्रेस द डेस्टिनेशन आई पी एड्रेस दैट इज वन नाइनटी टू डॉट फोर डॉट टेन डॉट जीरो स्टूडेंट्स इस केस में देखें कि आपका जो डेस्टिनेशन का नेटवर्क प्रिफिक्स है दैट कम्स आउट टू बी वन नाइन टू डॉट फोर डॉट टेन डॉट जीरो एंड दैट इज एक्चुअली द फोर्थ एंट्री इन योर राउटिंग टेबल आप डेस्टिनेशन की फील्ड में इस एंट्री को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट आप देखेंगे दैट इज वन ट्वेंटी एट डॉट वन जीरो डॉट नाइन और उस हॉप पर इसको फॉरवर्ड कर देंगे स्टूडेंट्स दिस इज हाउ यू एक्चुअली यूज एड्रेस मैस्क टू फाइंड आउट द नेक्स्ट हॉप इनसाइड योर राउटिंग टेबल अब स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट को इस स्लाइड में एक बार दोबारा देख लें इट विल क्लियर टू यू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेस मैस्क स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि केस में आपको टू आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन नेटवर्क You apply the address mask to the destination address. That means you perform a Boolean AND between this address mask and the destination address. And then you compare it to the network address in the routing table. Assurance, if mask i and d, any yani mask or destination address, inka AND operation if it is equal to the destination network address, destination i means what is given in your destination field in this case you forward to the next hop i so this all comes from your routing table directly the students ye concept hamara routing tables ka, that we normally maintain inside our routers or ye routing tables may address mask entries ka, ye, bataaya, ke, se, address mask use we can find out a next hop address for each of the

Destination addresses. Students, just you have seen the destination address inside the IP datagram header that actually contains the address of the ultimate destination of that IP datagram. That is, ultimate destination is, that will be given by that destination address inside the IP datagram. Her intermediate router, which with IP datagram,

you will always have the destination address. You will always have the address of the ultimate destination. It is only going to be used by the router to choose the next hop. And once that next hop is selected, we have the destination address and next hop address No, that's not the case. The next hop address never shows up inside the IP datagram header. The students. Um, in short what i mean to say is when your ip datagram passes from router to router router to network and so on when it passes through a internet the router only observes the destination ip address inside that ip datagram header and then chooses the next hop according to its routing table Jab IP datagram will reach the next router, the same is repeated. It will go, it will look at the ultimate destination address and then it will go back to its own routing table and based on that routing table, it will choose the next hop for that IP datagram. Students, this is the relationship between the next hop addresses and the um, ultimate destination addresses. Students, uh, another important concept, and that is the concept of the best effort delivery. Students, upkar IP software hai, it all it gives you the the format of your IP datagram. It tells you how this IP datagram is going to be forwarded from the source to the destination, and then it also tells you the semantics of your communications. Students, irrespective of all these facts, the IP datagram or the IP protocol, it just guarantees the best effort delivery. Or best effort delivery, say that your IP software it will make the best possible effort to deliver that IP datagram from your source to the destination. But still it will not guarantee certain functions. स्लाइड की जाने चलेंगे एंड विल लुक एट दो थ्री फोर फंक्शंस दैट इंस्टेड ऑफ एक्चुअली एलोकेटिंग और एक्चुअली डिफाइनिंग ऑल डिटेल्स द द आईपी प्रोटोकॉल स्टिल डज नॉट कंट्रोल लेट्स गो ऑन टू द स्लाइड स्टूडेंट्स इस केस में आप इस स्लाइड में देखेंगे कुछ चार ऐसे फंक्शन आपको बताए गए हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द आई पी Defining everything about the IP datagram, it still does not have control over it. The IP does not actually guarantee that it will handle these four problems. Our students, these problems. You see, the first one is of datagram duplication. In order in the process of travelling from your source to the destination, if your datagram somehow gets duplicated, it is somehow produced twice. आईपी प्रोटोकॉल कैन नॉट कंटेन दिस आई पी प्रोटोकोल केन नॉट हैंडल दिस प्रॉब्लम उसके बाद स्टूडेंट्स डिलेड और आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी मीन्स इफ एन आई पी डाइटाग्राम गेट्स डिलेड इन रीचिंग फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन और वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पैकेट फॉर्म एट कनेक्शन लेस की बात दोबारा करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन लेस सर्विस के केस में आपका हर पैकेट जो है दैट विल एक्चुअली फॉलो An individual or an independent route from the source to the destination. Her packet individually different routes to destination. के पास पहुँचेगा. Students, in this case, your delivery can be out of order. Delivery, an IP protocol, it cannot control this problem too. uske bahad, students, corruption of data. The data can be corrupted depending upon how your transmission medium is performing. Depending upon the specific distortion depending upon the noise in your network, the congestion in your network, your data can get corrupted and ip protocol cannot fix or control this problem too. students, datagram loss, they claim. and in this case, if your datagram, uh, ip datagrams, the ip packets, they get lost. you have to have a certain mechanism to control this problem too. the ip protocol cannot deal with it. Now, students for all these problems and many more that IP protocol cannot guarantee to handle, we need additional layer of protocol software to handle each of these errors. The students, that is the reason that in TCP IP protocol suite, we have other layers available other than this IP layer. IP प्रोटोकॉल या IP लेयर जो है वो सिर्फ IP प्रोटोकॉल के एस्पेक्ट को कंट्रोल करेगी और बाकी सारी लेयर जो हमारे TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में मौजूद हैं, दैट विल ट्राई टू डील विद ऑल द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइक वी हैव जस्ट मैंशन फोर आउट ऑफ देम। अफ स्टूडेंट्स ये एक स्ट्रेंज uh, सा कॉन्सेप्ट है इन विच द आई इज एक्चुअली स्पेसिफाइंग दैट दीज एर कैन आकर अफ स्टूडेंट्स लेकिन इस स्पेसिफिकेशन का देर इज अपेशल रीजन फॉर इट स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और हमने ये जब हमने लेयर स्ट्रक्चर या ओ एस आई मॉडल की भी बात की थी इन द कोर्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन तो मैंने आपको बताया था कि ईच लेयर ऑफ अ प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर इट नॉर्मली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन और आईपी लेर जो है दैट डज नॉट हैंडल दीज प्रॉब्लम दैट आर एक्चुअली डेल्ट विद बाई डिफरेंट लेयर Students, because your underlying physical networks jo hain, that can cause different kinds of problems, such as those I have mentioned uh, in this slide. So, any software that actually uses IP that must take the responsibility of solving these problems, that must coordinate between different layers of the protocol software in order to contain or or handle the problems that we have just discussed. Students, this was the concept of the best effort delivery. Kistana se apka IP protocol jo hai that guarantees the best effort delivery, and that still, instead of just um, instead of providing you know a complete um, solution, it still needs other layers in your protocol software to handle certain problems that this IP protocol cannot handle. Ha, students, today's lecture mein, uh, time, तो एक लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का छोटा सा चैप्टर था ये, this, uh, 20 21, are, uh, तो परेशान ना होगा कि हमने एक ही लेक्चर में uh, तो खत्म करने के करीब पहुंच चुके हैं डोंट वरी अबाउट दैट दीज आर बेसिक चैप्टर्स यू जस्ट कैन गो थ्रू दिन अंगल सेटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो है वो इस चैप्टर में बाकी है आईपी डाटाग्राम हेडर फॉर्मेट हम लोग जो है इसके हेडर को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा एक या एक इंटरनेट पैकेट के, के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स मौजूद होती हैं और उन फील्ड्स को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न अबाउट्राम डू दैट इन द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर इस आई डेटाग्राम हेडर को हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद विल स्टार्ट ऑफ विद द लास्ट चैप्टर द डील्स विद दिस आई पी एड्रेसिंग

To its hosts or to its users. And students may have of TCP IP case, the types of services that this TCP IP protocol provides, they are both of connectionless as well as connection-oriented nature. Connectionless service that is used as the main delivery service, and then you also have a reliable connection-oriented service that works on top of this connectionless service. And students, कुछ बात की अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल पैकेट्स। मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका एक इंटरनेट पैकेट जो है दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर थ्रू द राउटर्स कुछ हमने गौर किया कि किस तरह से क्या लिमिटेशंस हैं हमारे इस इंटरनेट पैकेट पे? क्यों ये पैकेट जो है इट इट्स कैन नॉट बी सिमिलर टू द टू द अंडरलाइंग हार्डवेयर फ्रेम क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं हमें उसके बाद हमने यह देखा कि हाउ कैन वी एक्चुअली डिफाइन अ वर्चुअल यूनिवर्सल Packet that is independent of what is going on in the physical network, the underlying physical network, and it can actually pass through all these networks that are connected in the form of an internet. Uskeba students, IP datagram, kithori si discussion ki, when aap kubataya ki TCP IP ke case mein, jo internet packet hai that is called as an IP datagram. Structure iska, it is very similar to the normal hardware frame that we have gone through. Size is that is actually um, different types of sizes that we can accommodate. The larger amount of data we have inside our IP datagram, the larger is going to be our throughput. Our current version jo ka hai, IPv4 or IP version 4 that specifies 1 octet to 64 octets, including the header, all the way between this range you can accommodate inside your IP datagram. उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ थोड़ी सी बात की अबाउट हाउ टू फॉरवर्ड एन आई पी और मैंने एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाया कि किस तरह से हम आईपी पी डाटाग्राम को फॉरवर्ड कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स बाय यूजिंग द राउटिंग टेबल्स ऑफ ईच ऑफ द राउटर्स देर आर कनेक्टिंग दो नेटवर्क पहले एक सिंपल सा व्यू उसका देखा उसके बाद थोड़ा सा आईपी एड्रेसेज या एक थोड़ा सा और कॉम्पलेक्स व्यू जो है उस पर गौर किया और आपने देखा कि किस तरह से हम फील्ड्स जो हैं उनको मेजरली यूज करते हैं इन द राउटिंग टेबल ऑफ द राउटर्स फर्स्ट वन गिव्स यू द नेटवर्क प्रीफिक्स ऑफ द डेस्टिनेशन द सेकंड वन टॉक्स अबाउट द एड्रेस लास्ट लास्ट वन गिव्स यू द नेक्स्ट हॉप स्टूडेंट सबनेट मास्क को आप डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस से बोलियन एंड परफॉर्म करेंगे रिजल्ट जो आपके पास आएगा दट इज गोइंग टू बी यूर नेटवर्क प्रिफिक्स उट यू विल कंपेयर दैट विद नेटवर्क प्रिफिक्स इन यूर राउटिंग टेबल ऑफ द राउटर और जब आपको वो नेटवर्क प्रिफिक्स मिल जाएगा तो यू विल एक्चुअली फॉरवर्ड द आई पी डी एटाग्राम टू द कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट हॉप उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ थोड़ी सी बात की अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द नेक्स्ट हॉप एड्रेसेस एंड द अल्टीमेट डेस्टिनेशन एड्रेस मैंने आपको बताया कि आपका जो राउटर है That has no information, her intermediate router that has no information, that does not include any information about the next hop inside the IP datagram header. It only gives you, it only looks at the ultimate destination address, chooses the next hop, and then forwards it to the next router or to the ultimate destination. Students, we have ki about the concept of the best effort delivery. यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको हैंडल करने के लिए आईपी प्रोटोकॉल इवन दो इट हैज डिफाइंड सच क्विक एंड सच यू नो अलैबोरेट व्यू ऑफ द आईपी डेटाग्राम फॉर्मेट एंड हाउ टू डिलीवर इट स्टिल इट हेल्प्स इट नीड्स द हेल्प ऑफ अदर लेयर्स इन योर टीसीपी आई प्रोटोकॉल सूट टू एक्चुअली डील विथ सर्टन प्रॉब्लम लाइक डाटाग्राम टू एप्लीकेशन डाटाग्राम लॉस डिलेड डिलीवरी एंड सोन स्टूडेंट्स दिस वाज़ आर टू डेज लेक्चर अगले लेक्चर में जैसा मैंने आपको बताया कि इस आईपी, पी टी या फिर आईपी प्रोटोकॉल की डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे विद स्टार्टिंग विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड देन गोइंग ऑन टू द लास्ट चैप्टर दैट वाइंड अप ग डिस्कशन ऑफ दिस आई प्रोटोकॉल अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाजत दीजिए खुदाफिज